हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स ऑफ गर्ल्स। मैं हूँ स्वाति। तो आज का ये मेकअप लुक मैंने सूट किया है न्यू मैरिड गर्ल्स के लिए कि किस तरीके का मेकअप आप आफ्टर वेडिंग कर सकते हैं। तो जब मैंने मेकअप सूट किया था तो मैंने साड़ी पहनी हुई थी, बट अभी मैं इंट्रो बाद में सूट कर रही हूँ। आई होप गाइस कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, एंड प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का ये रोज टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ये गुड वाइब्स का ही सीरम यूज़ कर रही हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा सीरम है, स्किन पे अच्छा ग्लो ऐड करता है। एंड इसके बाद मैं मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। के बाद मैं यहाँ पर एन बाय बे का ये ब्लूरिंग प्राइमर, यहाँ पर ब्राइटनिंग प्राइमर है, तो इसको यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर को अच्छे से स्प्रेड कर दें पूरे फेस पर। एंड इसके बाद मैं ये फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ। इसको मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मेरा जो भी फाउंडेशन मेरे हाथ पर है मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर में ले लूँगी, एंड टैप 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 करके मैं इसको पूरे फेस पर अच्छे से लगाऊँगी। सो यू कैन सी द डिफरेंस। तो मैं पूरे फेस पर इसी तरीके से लगाऊंगी। इसके बाद मैं ये मेरा फेवरेट कंसीलर स्विफ ब्यूटी का ले रही हूँ, और इसको मैं अपने आई के चारों तरफ अप्लाई कर रही हूँ। और जहाँ भी मुझे दिखेगा कि डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है तो वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। मैं थोड़ा सा हाई पॉइंट पे भी इसको ब्लेंड कर रही हूँ। कंसीलर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर फेस कैनेडा का ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि हम अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर सकें। तो बहुत ही हल्के हाथ से करें, या आप यहाँ पर लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये प्रो ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ, तो इससे मैं अपने चीज़ को ब्लश ऑन करूँगी। तो ब्लश ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट करूँगी। तो मैं यहाँ पर कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फेस मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना पतला दिखाने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। अभी स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर आई मेकअप। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने हाइलाइटर पैलेट से थोड़ा सा हाइलाइटर लेकर और
जो ब्रो बोन होती है वहाँ से, और मैं अपने पूरे आई एरिया पर इसको स्प्रेड करूँगी ताकि एक अच्छा सा बेस मिल जाए। या आप यहाँ पर कोई भी न्यूड शेड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके बाद ये पिंक शेड पिक कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सेम ब्रश से थोड़ा सा ये ऑरेंज कलर पिक कर रही हूँ। इन दोनों कलर को अच्छे से अप्लाई करके और अच्छे से इनको ब्लेंड कर देंगे। अब यहाँ पर ये ब्राउन कलर ले रही हूँ मैं, और यहाँ पर अपनी क्रीज लाइन के ऊपर इसको थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं। तो दोनों आँखों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर एक सिमरी गोल्डन शेड ले रही हूँ, और इसको मैं अपने दोनों कलर के ऊपर और पूरे आई एरिया पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके का आई मेकअप है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर मैं ये गोल्डन ग्लिटर ले रही हूँ, इसके बिना तो आई मेकअप अधूरा है। सो लुक एट द गाइस। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लैकिश ग्रे कलर ले रही हूँ, एंड इसको अपने कॉर्नर पे बिल्कुल थोड़ा सा लगाकर और उसी एरिया में ब्लेंड करूँगी। एंड जस्ट फिंगर से इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा आई शेडो बहुत ही अच्छा लगा है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। अभी मैंने यहाँ पर अपने लोअर लैश लाइन को अच्छे से नहीं ब्लेंड किया है, तो मैं ये पिंक कलर ले रही हूँ यहाँ पर, और इसको मैं लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर एन बाय बे का ये काजल लेकर आई हूँ, तो इसको अप्लाई करूँगी। एंड देन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है गाइस। अगर आप मेरी तरह फॉल्स लैसेस लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक मैं ट्रिक है जो सजेस्ट करूँगी कि आप अपने मस्कारा को डबल कोट में अप्लाई कीजिए, तो वहाँ पर आपको लैसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज यू कैन सी माय लैसेस, मैंने यहाँ पर कोई भी फेक लैसेस नहीं लगाए हैं। इसके बाद हम लाइनर लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये एन बाय बे का ही लाइनर है।
लाइनर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम दोनों आईज़ के कॉर्नर को यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ये लिप बाम लगा रही हूँ। सो यहाँ पर मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी। तो पहले मैं आउटलाइन बना ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर शक्ति की एन बाय बे का ये रेड कलर यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक। यहाँ पर मैंने लगाई है रेड कलर की ये स्टोन वाली बिंदी। एंड अभी हम बनाएंगे अपना हेयर स्टाइल। यहाँ पर मैंने मिडिल पार्टीशन किया हुआ है एंड यहाँ से हम अपने हेयर्स को उठाएंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पर टिक टैक पिन से सिक्योर कर देंगे। एंड इसके बाद जो बचे हुए हमारे फ्रंट के हेयर्स हैं इनको भी हम यहाँ से उठाएंगे और पीछे की तरफ ले जाकर ट्विस्ट करके इसी के साथ इसको टिक टैक पिन से सिक्योर कर देंगे। सेम अदर साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बहुत ही क्विक फास्ट हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा ये लिक्विड वाला सिंदूर लेकर जो है अपने मिडिल को थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये जर्किन के नग वाले ये पिंस हैं इनको अपने दोनों जहाँ पर मैंने क्लिप्स लगाई हुई हैं वहाँ पर इनको लगाऊंगी जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल और भी अच्छा दिखेगा। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया है एंड मेरी शादी अभी नई नई हुई है तो मैं इसी तरीके का मेकअप अपने ससुराल में करती हूँ, लेकिन अभी मैं बाहर रहती हूँ तो इतना मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप फाउंडेशन ना लगाएं, बहुत ज़्यादा हैवी फील कराता है, तो आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। मुझे भी एक दो दिन तक तो मैंने फाउंडेशन लगाया लेकिन फिर उसके बाद बहुत हैवी लगता था तो मैं बीबी क्रीम और सीसी क्रीम का ही यूज़ कर रही थी। तो आपको अगर मेरा ये वेडिंग न्यूली ब्राइड का लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना फाइनल लुक और फुल लुक आपके साथ शेयर करूं। तो ये मैंने इस तरीके की साड़ी पहनी हुई है और ये मेरा फाइनल लुक है यहाँ पर। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।